स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लेट एफ एक्स वाई इजिकल टू अंडर रूट एस की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1, देन फाइंड एफ एक्स 1 2 एंड एफ वाई 1 2। दिया गया फलन है, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स वाई इजिकल टू रूट ओवर एस की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1। हम एस के प्लस पे 1 पुट कर रहे हैं, वाई के प्लस पे 2 पुट कर रहे हैं, मतलब एफ आर 1 2 कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि आगे इसका यूज होगा। अब कैलकुलेट करने से आंसर आ रहा है अंडर रूट 18। फिर एस के प्लस पे 1 प्लस एच लिए और वाई के प्लस पे 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 प्लस एच ले लो, वाई के प्लस पे 2 ले लो, 1 प्लस एच की पावर 4। ये फार्मूला आप याद रखिए, ए प्लस बी की पावर 4 होता है, ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 बी ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। यहाँ पर ए के प्लस पे 1 है और बी के प्लस पे एच है, फार्मूला से बना दिए तो ये लाइन हमें मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, एस के प्लस पे 1 और वाई के प्लस पे 2 प्लस के रख दीजिए, यही फार्मूला फिर से यूज किया, ये लाइन आ रहा है। इस प्रकार से ये वैल्यूज हमने पहले ही कैलकुलेट किया है क्योंकि इसका हम यूज करेंगे जब इन दोनों का फार्मूला हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये फार्मूला आप याद रखिए, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका वैल्यू अंडर रूट 18 है, ये लाइन आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, परिमेयीकरण। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम बोलते हैं परिमेयीकरण, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ये लाइन आएगा। और एच के साथ एक पूरे का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 18 कैंसिल होगा, ऊपर से एच कामन निकल के नीचे के एच से कैंसिल हो जाएगा। अब एच के लिए जीरो रखेंगे सब जीरो हो जाएगा, ये लाइन मिलेगा, तो हमारा आंसर आएगा रूट 2/3। ये हमने एफ एक्स 1 2 निकाल लिया। अब निकालने वाले हैं एफ वाई 1 2। एफ वाई 1 2 का फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला है, इसका वैल्यू आप रख दीजिए, इसका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन की ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ये लाइन आएगा। यहाँ से 18 कैंसिल होगा, यहाँ से के कामन निकल के नीचे से के कट जाएगा, ये लाइन आएगा। अब के इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा, ये आएगा 16/3 रूट 2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसे नोट कीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए।